मैं शाहजहां बोल रही हूँ नाला सुपारा से। नाला सुपारा पोली चौकी में सर मैंने कंप्लेन कराई थी 14 तारीख को। देखिए सर, देखिए सर, ये हीरा गोल्ड जो कंपनी है उसका ये प्रूफ है, जो मेरा पैसा है ना जो इसमें है सर। दोबारा मुझे 19 तारीख को सर बुलाए थे सर लोगों ने, और मेरी एजेंट जो सदिया पटेल है उनको और मुझको, उन दोनों को, हम दोनों को स्टेटमेंट लिए। तो सदिया पटेल से सर ने ये पूछे, पुलिस सर ने, कि भाई कैसा चल रहा है ये कंपनी में, कैसा सब, कैसा क्या है। उन्होंने बोला कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। बोले कोई गड़बड़ तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो भाग जाएगी या जो भी है। बोले नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इनका पैसा, बोले सर किसी का पैसा नहीं आया तो इनका कहाँ से आएगा। तो ये पैसा मांग रहे हैं, इनके पास घर नहीं है, इनके पास खाने को नहीं है, अकेली औरत है देवा, आप इनका पैसा दिला दो जल्द से जल्द। मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि आप जल्द से जल्द काम करो इनके लिए, इनकी मदद करो मैडम को बोल के। कोई रास्ता तो होगा पैसे के लिए, कोई भी रास्ता आप बोलो मैडम को कि जल्द से जल्द इनके पैसे दे दो। इतनी बड़ी कंपनी है, क्या एक आदमी का पैसा नहीं दे सकती मैडम? तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करें कि इनका पैसा देने में मैडम सभी। सर ने बोले क्या कोई तो रास्ता होगा कि इनका पैसा दिलाने में, आप मैडम से रिक्वेस्ट करें कैसे भी जल्द से जल्द इनका पैसा दिलाने में, क्योंकि इनके पास घर नहीं है। सभ्या पटेल बोले कि सर सबका पैसा नहीं आया तो आप इनका कैसा आएगा। इन्होंने जो महीने का जो मंथली विड्रॉ करा है वो विड्रॉ के हिसाब से आएगा। सर ने बोले विड्रॉ नहीं, इनका जो भी पैसा है पूरा कर दो, क्योंकि इनके पास घर नहीं है। जब पुलिस स्टेशन से मैं बाहर निकली सर, तो मेरे ख्याल से 7-8 एजेंट लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझ पर दबाव बनाए, और यही बोला कि आपको एक वीडियो बनाना पड़ेगा। वो वीडियो में आपको शहबाज खान जो सर है ना, उनकी बुराई करना पड़ेगा और मैडम की और कंपनी की तारीफ करना पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको फिर हम लोग जो पहली वाली वीडियो है उसमें आपको ऐसे ऐसे केसेस में फंसा देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। आप हमारे से ना, आप हमारे से लड़ाई नहीं कर सकते, आपकी औकात कुछ नहीं है। आपको पैसा अगर जल्द से जल्द चाहिए तो जैसा हम लोग बोलते हैं वैसा करो आप। ऐसे डरा धमका के सर मेरा वीडियो निकाल लिए, और अभी तक का मेरा कोई एक पैसा भी आया नहीं मेरे अकाउंट में। नाला सुपारा की जो पुलिस चौकी है ना सर, वो पुलिस लोग बहुत अच्छे हैं। वो लोग हमारी इसमें जो तहकीकात में लगे हुए हैं, और वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं सर। रिक्वेस्ट करती हूँ MP असदुद्दीन ओवैसी साहब, MLA इम्तियाज जलील साहब, MLA वारिस पठान साहब, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र शहबाज अहमद खान साहब, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पैसा दिलाने में जल्द से जल्द मेरी मदद करें। और देखिए ये मेरा फ़ोन नंबर है 9309937422। सर आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि आप लोग मेरा जल्द से जल्द पैसे दिलाने में मदद करें। मैं आपके शुक्रगुजार होंगी सर, प्लीज़ आप मेरी मदद करें जल्द से जल्द मेरा पैसा दिलाने में। प्लीज़ सर मेरी मदद करें सर, मेरी हेल्प करें सर, प्लीज़ आपकी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुख्तार है और मैं चंचगोड़े का रहने वाला हूँ। ये सारे मुसलमान भाइयों से मेरी ये गुजारिश है, भाइयों से और बहनों से, कि हीरा ग्रुप या हीरा गोल्ड है जिसमें मेरे फुफरे बहन 2 लाख रुपए लगाए थे, 6 महीने हो चुके हैं, जिसके लिए मैं खुद भी 4 बार हीरा ग्रुप हेड ऑफिस बंजारा हिल जाके मिला हूँ। ऑनलाइन कैंसिल कराओ बोला, ऑनलाइन कैंसिल कराया।
और हार्ड कॉपी लिख के सबमिट करो बोले। हार्ड कॉपी लिख के सबमिट किया और पुपरी बहन की बच्चे की शादी है, इसके लिए पैसे वापस लेना है। वैसे तो कंपनी का दिवाला हो चुका है, ये 3-4 महीने पहले न्यूज़ में भी आ गया, यूट्यूब पे सबको मालूम है। हैदराबाद में ज़्यादा इस बात को उछाल नहीं रहे क्योंकि यह नोएरा शेख जो कंपनी की ओनर है, सीईओ है और फाउंडर है, वो 3 शादी कर चुके हैं, अभी फ़िलहाल दुबई में जाके बैठे हैं। गरीब आवाम का जो क्या कहते हैं मेहनत की कमाई है, जैसे कि मेरे फुफेरी बहन है, बड़े हैं और बेवा है, शौहर का इंतकाल होने के बाद घर चलने के ज़रिए के लिए 2 लाख रुपये डाले थे, जिसके महीना 5,000 रुपये आ रहे थे, 3 महीने से पैसे बंद हो गए उनके। अब पैसे वापस लेने के लिए जा रहे हैं तो तसल्ली देके भेज रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं गया और ये तकाजा था कि हमको 26 या 27 तक पैसे वापस चाहिए, क्योंकि बच्ची की शादी ठहरी हुई है। लेकिन सिर्फ ये कहना है कि अंडर प्रोसेस है, मैनेजमेंट के पास अप्रूवल के लिए गया हुआ है, अप्रूव हो सकता है नहीं मालूम, इसके वजह से मैं थोड़ा सा वहाँ पर तेज़ आवाज में बात किया। उसके बाद मेरे को फॉलो करते हुए 2 रोडीज पल्सर पे मेरे साथ मेरे दोस्त सलीम थे, जो हम लोग वहाँ से नामपल्ली गए, नामपल्ली से काम करते हुए मलकपेट नागौल जा रहे थे। तो मलकपेट जो प्यास का गंज है वहाँ पर रोके, हम लोग को रोक के ये वार्निंग देना चाह रहे थे कि आप लोग दोबारा घेरा गोल पिया के गड़बड़ नहीं करें और आपके पैसे जब देना है दे देंगे, कोई डिमांड नहीं करें और पब्लिक को भड़काए ना। तो वो ये समझ रहे थे कि शायद मैं हैदराबाद या नहीं हूँ या फिर मैं बातें बना रहा हूँ, ऐसा कुछ समझे। लेकिन जो मैं उन लोग के साथ बात करनी थी वो बात करा मैं, और उन लोग को भी सख्त वार्निंग दे दिया। उन लोग फिर वहाँ से दो भी जो रॉडी थे भाग गए, वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। तो मेरी ये गुजारिश है सारे हैदराबादी, तेलंगाना, इंडिया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इस बात को सारी आवाम को बताएं कि हीरा ग्रुप या हीरा गोल्ड ये कंपनी फ्लॉप हो चुकी है, कंपनी डूब चुकी है। ये जो ओनर है नोएरा शेख, ये पूरा पैसे लेके जाके कर्नाटक के इलेक्शन में डाले हैं और 3 से 4 महीने से पब्लिक को पैसे नहीं आ रहे, पब्लिक का जो मुनाफा आना था। इसके लिए मेरी आप लोग से ये गुजारिश है कि ये न्यूज़ को जितना हो सके फैलाएं। और मेरी MP साहब असदुद्दीन अवैसी साहब से ये गुजारिश है और पुलिस कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले और गरीब जनता का जो पैसा, गरीब आवाम का जो पैसा है वो पैसा आवाम को वापस दिलाए। और जितने भी लोग पैसे लगाए हुए हैं, कोई करोड़पति नहीं है, किसी का पेंशन और पेंशन का जो पैसा मिला था रिटायर्ड हुए वो लगाए, या कोई घर बेच के लगाए पैसा, कोई सोना बेच के लगाए, इस तरीके से पैसा लगाए हुए हैं चंद हलाल के पैसे की आमदनी के लिए। और जितने भी पैसे लगाए हुए हैं 75% जनाना है, औरतें लगाए हुए हैं जिसके शौहर बाहर है। खैर, मेरी आप लोग से एक गुजारिश है कि ये जो मेरी बात है सारी आवाम तक बताएं और एरिया के MP साहब तक पहुंचे और पुलिस कमिश्नर साहब तक भी पहुंचे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। शब्बा खैर।